हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं एमओयूज एंड अग्रीमेंट, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपके काफी आते हैं और आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो मई और जून का रहेगा। ठीक है, अगर आपने जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो हमने रिसेंटली वीडियो डाली थी वो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो मैंने आई बटन पे ऐड कर दिया है, आप यहाँ पे जाके क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। एंड साथ में ही आपको बता दूँ, जो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दी जाएगी, तो पीडीएफ की टेंशन आपको नहीं लेनी है। आराम से वीडियो देखो और अपना जो कंटेंट है वो कवर करो, रिवीजन करो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला आपको क्वेश्चन है, इन जून 2024 द टोटल एनर्जीज हैज साइंड अ सेल एंड परचेज अग्रीमेंट विद विच इंडियन कंपनी टू सप्लाई 8 लाख मेट्रिक टन पर एनम ऑफ एलएनजी टू इंडिया। तो टोटल एनर्जी जो है ये आपकी फ्रेंच की कंपनी है, ठीक है, फ्रांस की कंपनी है, जिन्होंने यहाँ पे साइन किया है सेल्स एंड परचेज अग्रीमेंट इंडिया की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो ये आपका सप्लाई होगा, एलएनजी सप्लाई, ये स्टार्ट होएगा 2026 से और ये जो अग्रीमेंट है ये आपका चलेगा 10 सालों तक। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सेम इसी टाइप का अग्रीमेंट जो है इन्होंने साइन किया है साउथ कोरिया की कोरिया साउथ ईस्ट पावर लिमिटेड के साथ और यहाँ पे सप्लाई करेंगे 5 लाख मेट्रिक टन पर एनम की एलएनजी साउथ कोरिया को और ये ऑपरेशन स्टार्ट होगा 2027 से फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉरेन यूनिवर्सिटीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज साइन 3 MOUs विद नोकिया कॉर्पोरेशन, प्लासर इंडिया एंड जैकॉब सॉल्यूशन टू स्ट्रेंथन द पार्टनरशिप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। तो ये यहाँ पे जो है, जो आपके गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय है, जो बेसिकली वडोदरा गुजरात में लोकेटेड है, इसके साथ यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 3 MOU साइन हुए हैं, डिस्कस करेंगे इनको। पहला आपका साइन हुआ है नोकिया के साथ। द एमओयू विद नोकिया विल फोकस ऑन कोलाबरेशन विद रिसर्च इन अ डोमेन ऑफ 5G और 6G कम्युनिकेशन टारगेटिंग एयर, लैंड, सी ट्रांसपोर्टेशन यूज केसेस, जो जो बेसिकली इंक्लूड करते हैं स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट, स्मार्ट फैक्ट्री ऑटोमेशन, एआई और जनरेशन एआई लैब्स। ठीक है, एमओयू जो प्लासर इंडिया के साथ साइन हुआ है, इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कोलाबरेट इन एरियाज ऑफ ट्रैक टेक्नोलॉजी, प्रमोट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग फॉर मेंबर्स ऑफ ईच पार्टी, एक्सप्लोर जॉइंट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज इन अ ट्रांसपोर्ट एंड अ रेल सेक्टर एंड इट विल प्रोवाइड इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ GSV। ठीक है, गतिशक्ति विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है जैकॉब, जैकॉब के साथ जो आपका एमओयू साइन हुआ है, ये बेसिकली आपका एनहांस करेगा, एनहांस एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ रिसर्च टीचिंग ट्रेनिंग एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू ट्रांसपोर्ट रेल एंड सेमीकंडक्टर सेक्टर, एस्टैब्लिशिंग सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन अ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड रेलवेज इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ लेबोरेटरीज। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए ये 3 MOU साइन किए गए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइन एन MOU विद डैश टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ MOU साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने, किस चीज के लिए? क्रिएट करने के लिए एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल बुक ट्रस्ट। ठीक है, इनके साथ एमओयू साइन हुआ है। अब जो ये कोलैबोरेशन हुआ है या एमओयू साइन हुआ है, इसका मेन एम है टू एनहांस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ नॉन एकेडमिक बुक्स फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज साइन एन एमओयू विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन इन ऑपरेटिंग अ स्पेशल टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, दैट इज टेलीमैनेज सेल। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, ठीक है, ऑपरेट करने के लिए अ स्पेशल टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस द स्टेट सेल। ठीक है, अब टेलीमैनेज सेल जो है ये आपका पायलट प्रोजेक्ट है, 2 साल का ये प्रोजेक्ट है एट द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज इन पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, अब ये जो है बेसिकली नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। ठीक है, अब इसी के साथ नोट करना है, टेलीमानस जो है ये एक डिजिटल एक्सटेंशन है आपका डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का, विच इज ऑफरिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव 24/7 टेलीमेंटल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने हैव साइन अ एमओयू विद विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू कोलैबोरेट ऑन अ रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आईआईटी है जिसके साथ एमओयू साइन किया है आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने? तो ये आईआईटी है आपका आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ जो ये जो आपका ये एमओयू साइन हुआ है इसका मेन एम क्या है? टू एनहांस टू फॉस्टर द इनोवेशन एंड रिसर्च इन डेवलपिंग नोवल मेडिकल डिवाइसेस एंड एड्रेसिंग द हेल्थ इश्यूज स्पेसिफिक टू सोल्जर्स सर्विंग इन अ वेरिड टेरेन्स। ठीक है, अब जो ये सिग्नेटरीज यहाँ पे बात करें तो ये एमओयू जो है ये साइन किया था डायरेक्टर जनरल ऑफ AFMS जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल दजीत सिंह, और जो आपके आईआईटी हैदराबाद के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर प्रोफेसर बुड़ा राजू श्रीनिवासा मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इन जून साइन अ एमओयू विद सेंट्रल ट्यूबरक्लोसिस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर कोलैबोरेटिव एक्शन टुवर्ड्स द एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया बाय 2025? तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने एमओयू साइन किया है सेंट्रल ट्यूबरक्लोसिस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस का जो एलिमिनेशन है इंडिया में वो कब कौन से ईयर तक आपका टारगेट लेके चले हैं हम, तो 2025 तक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, रिसेंटली इन जून द अदानी इंटरनेशनल पोर्ट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड हैज साइन अ 30 ईयर कंसेशन अग्रीमेंट विद विच कंट्रीज पोर्ट अथॉरिटी टू ऑपरेट एंड मैनेज कंटेनर टर्मिनल 2 ऑफ अ दार एस सलम पोर्ट। ठीक है, तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसके जिसकी पोर्ट अथॉरिटी के साथ यहाँ पे ये अग्रीमेंट जो है साइन किया गया है? तो इस कंट्री का नाम है तंजानिया। ठीक है, तंजानिया का ये दर ए सलम पोर्ट है। ठीक है, जहाँ पे ये इसे ऑपरेट करेंगे टर्मिनल 2 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज नेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑफिस हैज रिसेंटली इन जून साइन एमओयू विद इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव वेदर फोरकास्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ अ मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना? तो कौन सी कंट्री की आपकी जो है डिपार्टमेंट है, या आप बोल सकते हो नेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है जिसने एमओयू साइन किया है इंडिया के आईएमडी के साथ? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई, डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, अब जो ये एमओयू साइन हुआ है इसका मेन एम क्या है? टू एनहांस टेक्निकल कैपेबिलिटीज एट ऑनमेट फॉर बेटर फॉरकास्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ अ मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना इन द डोमिनिकन रिपब्लिक। अब जो ये एमओयू है ये साइन किसने किया है? इंडिया के जो आईएमडी के डायरेक्टर हैं आपके, ठीक है, मृत्युंजय महोपात्रा, इन्होंने ये एमओयू साइन किया है विद द डोमिनिकन एम्बेसडर टू इंडिया डेविड पियोग। ठीक है, जिन्होंने ये एमओयू साइन किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर ऑफ ऑनमेट ग्लोरिया सेविलोस इन अ न्यू दिल्ली दिल्ली। ठीक है, अब डोमिनिकन रिपब्लिक की बात करें तो उसके प्रेसिडेंट कौन है? लुइस अबिनेडर। कैपिटल है सेंटो डोमिंगो एंड करेंसी है डोमिनिकन पेसो। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसीव्ड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 156 लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर्स LCHS प्रचंड वर्थ ₹45,000 करोड़। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा? ठीक है, 156 लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर्स के लिए, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फाइन, इट इज ऑप्शन नंबर सी, HAL। अब यहाँ पे 156 में से 90 जो आपके हेलीकॉप्टर्स हैं ये इंडियन आर्मी के लिए हैं और 66 इंडियन एयरफोर्स के लिए हैं। ठीक है, नाउ जो आपके ये प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं ये पहले इंडिजीनियस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं जिन्हें डिजाइन और मैन्युफैक्चर कौन करेगा? HAL करेगा, और किसके कोलैबोरेशन में करेगा? फ्रेंच इंजन मेकर्स दैट इज सैफरन, इसके सैफरन के साथ मिलके ये इसे बनाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये वर्ल्ड का एक लौता आपका जो है अटैक हेलीकॉप्टर बन जाता है जो लैंड और टेक ऑफ कर सकता है 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पे। ठीक है, जैसे हमारा जो ईस्टर्न लद्दाख हो गया, सियाचिन ग्लेशियर होगा, यहाँ पे इजीली ऑपरेट कर पाएगा। क्लियर है? नाउ इसके अलावा फीचर क्या है इसके? इट इज अ आर्म्ड विद अ 20 mm टर्रेट गन्स, 70 mm रॉकेट सिस्टम एंड एयर टू एयर मिसाइल। सो ये सारे इसके फीचर्स हैं। साथ में इसमें आपको जो है हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस मिल जाएगा, ऑल वेदर कॉम्बैट कैपेबिलिटी इसमें है। ठीक है, देन आर्मर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम, नाइट अटैक कैपेबिलिटीज, इस टाइप के फीचर्स इसमें मौजूद हैं। फाइन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2024 विच कंट्री साइंड एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एमओयू ऑन अ रिफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स फॉर अनदर 5 ईयर्स विद इंडिया। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने 5 साल के लिए एक्सटेंशन कर दिया है आपका एमओयू का, रिफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म का, ठीक है। तो ये कंट्री आपकी है वेस्ट अफ्रीका की कंट्री, विच इज गाम्बिया, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अब जो ये एमओयू है इसमें कौन कौन से आपके एरियाज कवर हो जाते हैं, जैसे इंप्रूविंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम एंड ई रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं इस एमओयू में, क्लियर है। नाउ गाम्बिया के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है अदाम्बा बोरो, कैपिटल इसकी है बंजुल, करेंसी इज गाम्बियन डेलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2024 द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री टू बूस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया विद अ इमर्जिंग स्किल्स। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है, किस चीज के लिए, बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को ऑफ इंडिया विद इमर्जिंग स्किल्स, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया की जो मिनिस्ट्री है इन्होंने और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने मिलकर होस्ट किया था पिवोटल राउंड टेबल डिस्कस करने के लिए इनसाइट्स फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिटिकल एग्रीकल्चर स्किल्स पायलट प्रोजेक्ट को, ठीक है। अब इंडिया को यहाँ पे लीड किया था अतुल कुमार तिवारी जी ने, जो सेक्रेटरी हैं आपके इस मिनिस्ट्री के, एंड दूसरी तरफ से मिस्टर मैथ्यू जॉनस्टन थे, वो उन्होंने लीड किया था आपका ऑस्ट्रेलिया का जो आपका कमीशन था उसको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोट करना है इसका मेन एम क्या है, ठीक है। इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है, क्यों कोलैबोरेशन किया गया है, इसका मेन एम है रीशेप करना एग्रीकल्चर सेक्टर को बाय आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग द इमर्जिंग जॉब रोल्स, ओके। Now next is, in June 2024, Department of Animal Husbandry and Dairy has signed an agreement with National Dairy Development Board, that is NDDB, for the upgradation and bio-containment facility and associated repair work at a Chaudhary Charan Singh National Institute of Animal Health, that is CCSNAIH, which is located at the Bhagpat, Uttar Pradesh. The estimated budget for this प्रोजेक्ट इज रुपीज डैश। तो टोटल यहाँ पे कितना बजट इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए जो है एस्टिमेशन दिया गया है, तो इट इज अराउंड योर 160 करोड़, ठीक है, इट इज रुपीज 160 करोड़। और इसके यहाँ पे क्या बोला गया है, प्लानिंग की गई है कि इसको एग्जीक्यूट हमें करना है विद इन 20 मंथ्स, ओके। नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली इन जून साइंड एमओयू विद अ मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दैट इज MCTE, टू एडवांस कोलैबोरेशन इन नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन आर्मी। तो रिसेंटली जो सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च है, दैट इज समीर, जो लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, इसने एमओयू साइन किया है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ, ताकि जो इंडियन आर्मी की बेसिकली जो कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, उनको एनहांस करें, इस चीज के लिए यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब समीर क्या है, ये एक आपकी ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, ठीक है। अब एमओयू किसने यहाँ पे साइन किया था, तो जो आपके MCTE मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लेफ्टिनेंट जनरल हैं KH ग्वास, एंड जो समीर के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर पी हनुमंता राव, इनके बीच में ये एमओयू साइन हुआ था, फाइन। इस एमओयू के तहत एक तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इंडियन आर्मी की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को ये एनहांस करेगा, उसको एडवांस करेगा, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे एक एडवांस मिलिट्री रिसर्च एंड इंक्यूबेशन सेंटर भी सेटअप किया जाएगा मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है। नाउ समीर का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और MCTE का हेडक्वार्टर इंदौर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। समीर को एस्टैब्लिश किया गया था 1984 में और MCTE को एस्टैब्लिश किया गया था 1967 में, ओके। नेक्स्ट है, इन जून 2024 द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, दैट इज इन स्पेस, साइन एन एमओयू विद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम ऑफ डैश, कौन सी कंट्री है ये आपको बताना है, टू एनहांस कॉरपोरेशन इन अ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो रिसेंटली जो बांग्लादेश की PM है शेख हसीना जी, उनका विजिट इंडिया में हुआ था और उसी दौरान
बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री है, इन्होंने इन स्पेस के साथ जो है एमओयू साइन किया है। ठीक है, आंसर हम यहाँ पे आपको हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब जो एमओयू है इसे साइन किया था चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ बांग्लादेश सैटेलाइट कंपनी विच इज शाहजहान महमूद एंड इंडिया सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एस सोमनाथ जी ने। ठीक है, नाउ अदर एमओयूज की बात करते हैं जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में साइन हुए हैं। तो पहला आपका एमओयू है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री है इनके बीच में यहाँ पे ये एमओयू साइन हुआ है ऑन एनहांसिंग रेलवे कनेक्टिविटी एंड प्रोवाइडिंग स्मूदर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है कॉरपोरेशन इन ओशनोग्राफिक, तो बांग्लादेश के ओशनोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज BORI एंड इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफिक इनके बीच में एमओयू साइन हुआ है। देन आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया की और बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ के बीच में एमओयू जो है ये साइन हुआ है एंड यहाँ पे इसे रिन्यू किया गया है टू स्ट्रेंथन डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज एंड रेसिलेंस एफर्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट आपका एमओयू है जो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज दैट इज DSSC वेलिंगटन एंड डिफेंस सर्विस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज ऑफ मीरपुर इनके बीच में एमओयू साइन हुआ है दैट विल एनहांस मिलिट्री एजुकेशन एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज कॉरपोरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज जॉइंटली लॉन्च अ न्यू $135 मिलियन ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दैट इज BGIIP टू सपोर्ट स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है $135 मिलियन ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को? तो ये जो प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया था UNDP और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट। ठीक है, अब जो ये प्रोग्राम आपका है, ये जो इनिशिएटिव है, इसे मैनेज कौन करेगा? UNDP, और इसे फंड कौन करेगा? GEF एंड इट्स पार्टनर्स। ठीक है, अब इस इनिशिएटिव के तहत 15 SIDs जो हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, जिनके नाम से मैंने आप जहाँ जिनके नाम यहाँ पे मैंने ऐड किए हुए हैं, इंक्लूड किए हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, अब जो इनिशिएटिव है इसे लॉन्च किया गया था 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन SIDs जो आपके एंटीगुआ एंड बारबुडा में हुई थी। ठीक है, एंड इसका थीम क्या था? चार्टिंग द कोर्स टुवर्ड्स रेसिलिएंट प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द अडानी ग्रुप रिसेंटली इन जून साइन एन एमओयू विद द भूटान्स ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन दैट इज DGPC टू सेट अप डैश मेगावाट ऑफ अ ग्रीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन भूटान। तो रिसेंटली जो गौतम अडानी जी हैं इनकी मीटिंग हुई थी जो PM है भूटान के टी शेरिंग के साथ। ठीक है, और वहां पे इन्होंने एमओयू साइन किया था, अदानी ग्रुप ने यहाँ पे एमओयू साइन किया था भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ कि ये सेटअप करेंगे भूटान में 570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। क्लियर है? नाउ अब DGPC क्या है? ये इकलौती जनरेशन यूटिलिटी है आपकी भूटान में जो सब्सिडी है ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की। ठीक है, और इसकी शुरुआत DGPC की शुरुआत की गई थी 2007 में टू डेवलप एंड मैनेज भूटान्स हाइड्रो पावर रिसोर्सेज एंड असेट्स। क्लियर है? इसी के साथ जो गौतम अडानी जी हैं ये भूटान के किंग के साथ भी इन्होंने मीटिंग की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक दैट हैज साइंड एन एमओयू विद इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर वायबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने एमओयू साइन किया है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ प्रोवाइड करने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट वायबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को? ठीक है, तो ये आपका बैंक है पब्लिक, ये आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? इट इज ऑप्शन नंबर ई, पंजाब नेशनल बैंक। अब यहाँ पे जो एमओयू है ये साइन किया था पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO जो हैं अतुल कुमार गोयल एंड IIFCL के आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं करेंटली पद्ममाना भान राजा जयशंकर ने। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन जून 2024 द मुथूट फिन माइक्रोफिन एंटर्ड इनटू अ को लेंडिंग पार्टनरशिप विद विच बैंक टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसके साथ जो है को लेंडिंग पार्टनरशिप की है मुथूट माइक्रो फाइनेंस ने? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी। नाउ मुथूट माइक्रोफिन एंड SBI जो है को लेंड करेंगे मेंबर्स ऑफ अ जॉइंटली लायबिलिटी ग्रुप्स जो एंगेज हैं एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में एज वेल एज अदर इनकम जनरेटिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो लोन अमाउंट है ये आपकी रेंज करेगी मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम रेंज क्या है 3 लाख की है। क्लियर है?
नेक्स्ट इज रिसेंटली इन जून विच कंपनी हैज साइन अ एमओयू विद इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम दैट इज CERT इन टू एनहांस इंडिया साइबर रेसिलेंस इन अ फाइनेंशियल सेक्टर. तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे CERT ने जो है MOU साइन किया है मास्टर कार्ड इंडिया के साथ. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अब इस MOU के तहत दोनों ही जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों ही जो आपकी एंटिटीज हैं, इसके एक्सपर्टीज मिलके यहाँ पे जैसे कुछ फील्ड्स हैं उसमें यहाँ पे एक दूसरे का साथ देने वाले हैं. जैसे आपका साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, शेयरिंग साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस स्पेसिफिक टू फाइनेंशियल सेक्टर एंड एडवांस मैलवेयर एनालिसिस. तो इन सब में ये साथ काम करने वाले हैं. साथ में ही दे विल ऑल्सो शेयर रेलिवेंट साइबर थ्रेट ट्रेंड्स, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, थ्रेट इंटेलिजेंस एंड वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट्स टू बोल्स्टर द फाइनेंशियल सेक्टर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इन इंडिया. ओके, साथ में ही आप स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं. जैसे CERT इन है, ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, संजय बहल, स्टैब्लिश किया गया था 2004 में. मास्टर कार्ड के आपके CEO हैं मिशेल मेबेज. इसके इंडिया के अगर हम बात करें मास्टर कार्ड इंडिया के, इसके चेयरमैन आपके हैं रजनीश कुमार. हेडक्वार्टर है आपका इसका न्यूयॉर्क USA में और स्टैब्लिश किया गया था 1966 में. ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स साइन एन MOU विद विच बैंक टू एनहांस डिजिटल पेमेंट सर्विसेज फॉर माइग्रेंट वर्कर. तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन किया है ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो इंडिया के वर्कर्स बाहर देश गए हैं काम करने, ठीक है, वो इंडिया में पैसा भेज सके विदाउट एनी ट्रांजेक्शन फीस. ठीक है, ये क्लियर हुआ. तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी. अब ये होगा कैसे, तो जो आपका ई माइग्रेट पोर्टल है इसे इंटीग्रेट किया जा रहा है SBI ईपे के साथ ताकि जो SBI की सर्विसेज हैं वो इजीली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो आसानी से यूज कर पाए. ठीक है, अब ई माइग्रेट पोर्टल क्या है, बेसिकली ये पोर्टल हेल्प करता है सेफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सेफ एम्प्लॉयमेंट देने में जो हमारे वर्कर्स हैं उनको इन अ फॉरेन कंट्रीज या अब्रॉड. ठीक है, नाउ यहाँ पे पूरी डिटेल दी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने. ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, द MOU वॉज साइन बाय अ श्री ब्रह्म कुमार जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं आपके ऑन बिहाफ ऑफ अ मिनिस्ट्री एंड श्री नीलेश द्विवेदी जनरल मैनेजर हैं जो आपके SBI के एट अ सुषमा स्वराज भवन इन अ न्यू दिल्ली दिल्ली एंड विल बी ऑपरेशनल सून आफ्टर द सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑफ अ SBI ई पे विद अ ई माइग्रेट पोर्टल जो 2014 में आपका लॉन्च किया गया था. ठीक है, ये क्लियर हुआ. अब यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी जो माइग्रेट वर्कर है वो यूज कर सकता है. ठीक है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस MOU पेमेंट ऑफ अ वेरियस इमिग्रेशन रिलेटेड टू फी वुड बी पॉसिबल विद nil ट्रांजेक्शन चार्जेस. कोई चार्जेस नहीं यहाँ पे लगेगा फॉर द पेटीएम थ्रू फॉर द पेमेंट थ्रू द UPI क्रेडिट और डेबिट कार्ड और नेफ्ट. ठीक है, NEFT थ्रू नेट बैंकिंग और ऑल इंडियन बैंक. तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन फीस नहीं लगेगा थ्रू द UPI क्रेडिट और डेबिट कार्ड और नेफ्ट के थ्रू. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज साइन एन MOU विद द इंडियन आर्मी फॉर अ सैलरी अकाउंट. तो सैलरी अकाउंट के लिए जिसका नाम है गौरव बचत सेविंग बैंक सैलरी अकाउंट, ये बेसिकली साइन किया गया है पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. और इस अकाउंट का पूरा नाम है PSB गौरव बचत सेविंग बैंक सैलरी अकाउंट. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके आर्मी पर्सन्स हैं, ठीक है, आर्मी पर्सनल्स हैं या एक्स रिटायर्ड मतलब रिटायर्ड आपके आर्मी पर्सन हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन हैं, उन सभी के लिए ये आपका अकाउंट जो है वो अवेलेबल है. इवन जो अग्निवेश एनरोल्ड हुए हैं अभी वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अब इस MOU का फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपके पर्सनल्स हैं या रिटायर्ड पर्सन हैं, ठीक है, उनको इसके तहत एक्सीडेंट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ या अगर डिसेबिलिटी होती है इन दैट केस यहाँ पे उनको कवर अप दिया जाएगा अप टू ₹1 करोड़. वेयर इज अगर एयर एक्सीडेंटल कवर होता है 1.2 करोड़ का यहाँ पे जो है एक्सीडेंटल कवर दिया जा रहा है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो आपका सैलरी अकाउंट है इसमें डिस्टिंक्ट बैंकिंग जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हो. ठीक है, डिस्टिंक्ट बैंकिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सन ये उनके लिए बनाया गया है. ठीक है, साथ में ही वीर नारीज बेसिकली जो स्पाउस होंगी मैट्रियार्क की उनके लिए भी यहाँ पे बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की. तो पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है स्वरूप कुमार शाह. हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली दिल्ली में. 1908 में इसे स्टैब्लिश किया गया था एंड इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास्टर कार्ड रिसेंटली इंजोन पार्टनरशिप विद अ डैश बैंक टू लॉन्च द नियर फील्ड कम्युनिकेशन साउंड बॉक्स सॉल्यूशन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने, ठीक है, मास्टर कार्ड और एक्सिस बैंक ने मिलकर इसे पार्टनरशिप में लॉन्च किया है नियर फील्ड कम्युनिकेशन साउंड बॉक्स को, ठीक है। ये ऑल इन वन सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, इसमें इंक्लूड किया गया है आपका भारत क्विक रिस्पॉन्स दैट इज QR, UPI टैप एंड पे एंड टैप प्लस पिन पेमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूड की गई हैं और अब एक्सिस बैंक जो है ये पहला इंडिया का बैंक बन गया है जिसने इंट्रोड्यूस किया है साउंड बॉक्स एक्सेप्टिंग टैप प्लस पिन पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इट इनेबल्स द ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 5000 बाया कार्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, एंड इट विल बी अवेलेबल विद अ मेजर पेमेंट नेटवर्क्स इंक्लूडिंग वीजा, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली एंटर्ड अ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद एक्सिस बैंक टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट सूट टू बैंक्स कस्टमर। तो इनमें से कौन सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है आपके एक्सिस बैंक के साथ? तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन है, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन जून द NIPL पार्टनर्स विद सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री टू डेवलप UPI लाइक पेमेंट सिस्टम। तो इनमें से कौन सा कंट्री का आपका सेंट्रल बैंक है जिसके साथ कोलैबोरेशन हुई है NIPL की, ठीक है, किस चीज के लिए, डेवलप करने के लिए UPI लाइक पेमेंट सिस्टम। तो आंसर आपका यहाँ पे है, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू। अब इसी टाइप की कोलैबोरेशन जो है सेंट्रल बैंक ऑफ नाम्बिया के साथ भी की गई थी, ठीक है, किस चीज के लिए, डेवलप करने के लिए UPI लाइक पेमेंट। तो ये आपका सेकेंड पार्टनरशिप हो गया इस टाइप का, ठीक है। नाउ जो पेरू है, पेरू फर्स्ट कंट्री बना है साउथ अमेरिका, ये फर्स्ट साउथ अमेरिकन नेशन बना है जो अडॉप्ट करेगा UPI टेक्नोलॉजी को, ठीक है। अब पेरू के PM कौन है, इनका नाम है गुस्तावो लिनो एड्रियनसन, इसकी कैपिटल लीमा है, करेंसी है इसकी पेरूवियन सोल। नेक्स्ट है, विच कंपनी रिसेंटली इन जून पार्टनर्ड विद अ पिकमी टू इनेबल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बेस्ड पेमेंट्स फ्रॉम इंडियन ट्रैवलर्स इन श्रीलंका। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने पार्टनरशिप की है पिकमी के साथ जो श्रीलंका का राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फोनपे। फोनपे द्वारा यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है ताकि जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं जो श्रीलंका में जाते हैं ट्रैवल करते हैं वो इजीली यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सके और उन्हें जो करेंसी एक्सचेंज का मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो फेस ना करनी पड़े, ठीक है। अब ऐसा ही कोलैबोरेशन जो है फोनपे ने लंका पे के साथ किया था, ठीक है, आपको याद होगा ये चीज भी हमने कवर की थी UPI पेमेंट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड है उसके साथ भी फोन पे का कोलैबोरेशन हुआ है, क्लियर है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विद रिया मनी ट्रांसफर टू ऑफर यूनिक रेमिटेंस सर्विसेज अक्रॉस रूरल इंडिया। तो इनमें से कौन सा आपका पेमेंट बैंक है जिसने पार्टनरशिप किया है रिया मनी ट्रांसफर के साथ, ठीक है, ताकि ये जो है यूनिक रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सके रूरल इंडिया में? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। अब इस यहाँ पे जो पार्टनरशिप हुई है इस पार्टनरशिप का मेन एम क्या है कि जो रिमोट एरियाज के कस्टमर्स है उनको ये कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल डोर स्टेप फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, फाइन। नाउ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें, इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, आर विश्वेश्वरन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली दिल्ली में है। इसे 2018 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इट्स टैगलाइन इज आपका बैंक आपके द्वार, ओके। नाउ रिया मनी ट्रांसफर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका वेनुआ पार्क कैलिफोर्निया USA में लोकेटेड है एंड इसकी शुरुआत की गई थी 1987 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज साइंड अ 3-year MOU विद अ रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन फॉर रिसर्च एंड कोलैबोरेशन इन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड एम्बेडेड सेमीकंडक्टर सिस्टम। तो इनमें से कौन सा आपका इंस्टीट्यूशन है जिसने 3 साल का MOU साइन किया है रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन जो आपकी जापान की कंपनी है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज IIT हैदराबाद। इन दोनों के बीच में 3 साल का MOU साइन हुआ है जिसमें यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं आपके IIT हैदराबाद के उनको यहाँ पे बेसिकली उनके टैलेंट को जो है वो फॉस्टर किया जाएगा ताकि इंडिया में सेल्फ रिलायंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बिल्ड किया जा सके, ठीक है। साथ में ही रेनेसिस जो है ये इंजीनियर्स के जो स्टूडेंट हैं
ठीक है, टैलेंटेड स्टूडेंट जो होंगे उनको हायर भी करेगा साथ में ही। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये 6 मंथ की, मतलब जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं ये 6 मंथ के इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इस कंपनी में। एंड ये जो कंपनी है ये सपोर्ट करेगी IIT हैदराबाद के यूनिवर्सिटी करिकुलम डेवलपमेंट को, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये सारा चीज़ इस MOU के तहत किया जाएगा, ठीक है। नाउ सिग्नेटरीज की बात करें तो यहाँ पे ये MOU साइन किया था मालिनी नारायण मूर्ति, जो कंट्री हेड ऑफ इंडिया है एंड सीनियर डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर एनालॉग एंड कनेक्टिविटी प्रोडक्ट ग्रुप इन दी रेनेसिस, एंड प्रोफेसर BS मूर्ति जो डायरेक्टर है आपके IIT हैदराबाद के, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये MOU साइन हुआ था। फाइन, अब जो ये पार्टनरशिप है इससे क्या होगा, इंडिया का जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है वो मजबूत होएगा, ठीक है, और ये सपोर्ट करेगा मेक इन इंडिया ऑब्जेक्टिव को इंडिया के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द आंध्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैज साइन अ MOU विद अ विच अटल इंक्यूबेशन सेंटर टू बूस्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड सपोर्ट एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो इनमें से कौन सा आपका जो है अटल इंक्यूबेशन सेंटर है जिसके साथ MOU साइन हुआ है आंध्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज AIC अन्ना यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन फाउंडेशन, ठीक है। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई। और यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन थे आपके, VL इंदिरा दत्त जो प्रेसिडेंट है आंध्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और डॉक्टर P उमा महेश्वरी जो डायरेक्टर एंड CEO है AIC अन्ना यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन फाउंडेशन के, ठीक है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद द एज ग्रुप टू सेट अप रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज इन इंडिया एंड UAE। तो इनमें से कौन सी इंडिया की कंपनी है जिसने एच ग्रुप जो आपकी UAE की कंपनी है उसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया में और UAE में डेवलपमेंट प्रोडक्शन और मेंटेनेंस फैसिलिटीज स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, ताकि ये टारगेट कर सके इंडिया के मार्केट को, UAE के मार्केट को और साथ में ग्लोबल मार्केट को, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा, इट इज अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। अब इस अग्रीमेंट का एम है कि एस्टैब्लिश करे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म लिवरेजिंग द डिफेंस एंड एरोस्पेस कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ कंपनीज टू कंबाइन देयर एक्सपर्टीज इन मिसाइल वेपन्स कवरिंग एयरबोर्न सरफेस इन्फेंट्री एमिनेशन एंड एयर डिफेंस प्रोडक्ट। तो इस अग्रीमेंट के तहत इनके जो एक्सपर्टीज हैं दोनों ही कंपनी के, ये कोलैबोरेट करके वर्क करने वाले हैं मिसाइल वेपन्स और इन सब चीज़ों में जो चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन की है, ठीक है। साथ में ही डेवलपमेंट प्रोडक्शन और मेंटेनेंस फैसिलिटीज ये एस्टैब्लिश करेंगे, क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली इन जून साइन एन MOU विद अ 6G स्मार्ट नेटवर्क्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्री एसोसिएशन दैट इज 6GIA एंड 6G फ्लैगशिप ऑफ अ फिनलैंड ओलू यूनिवर्सिटी टू डेवलप सिक्योर एंड ट्रस्टेड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इनमें से कौन सा आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन है या आपका एसोसिएशन है जिसके साथ यहाँ पे MOU साइन किया है 6G स्मार्ट नेटवर्क एंड सर्विसेज इंडस्ट्री एसोसिएशन 6GIA और 6G फ्लैगशिप ऑफ फिनलैंड ने, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये इंडिया का भारत 6G अलायंस है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ ये जो MOU साइन हुआ है ये कंटिन्यूएशन है जो पहले एक MOU साइन हुआ था भारत 6G अलायंस और अलायंस फॉर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री सॉल्यूशन का नेक्स्ट जी अलायंस ऑफ USA जो सितंबर 2023 में साइन किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है नाउ ये रिव्यू कर रहे हैं 470 आइडियाज हैं जो ऑन एक्सेलरेटेड रिसर्च ऑन 6G उसको ये रिव्यू कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ द भारत 6G विजन, ठीक है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है इन्होंने इन मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है, 2023 में इन मंथ ऑफ जुलाई इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 6G लीडरशिप एंड इनोवेशन अवार्ड। तो ये भी ध्यान में रखना है। नाउ आप थोड़ी और इसके बारे में जानकारी देखेंगे कि जो MOU है ये कनेक्ट करेगा यूरोपियन यूनियन और इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज को, एकेडमिया को एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, ताकि ये 6G की फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे ये प्रमोट करेंगे जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव्स जो जैसे कंडक्ट करेंगे पायलट प्रोग्राम्स ऑफ 6G टेक्नोलॉजी एंड यूज केसेस एंड टू कोलैबोरेट ऑन अ 6G टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू द स्टैंडर्डाइजेशन एफर्ट्स एट द ग्लोबल फोरम्स, ओके। नाउ भारत 6G अलायंस की बात करें तो ये कोलैबोरेशन है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक्स इन इंडिया, फाइन। और इनका विजन क्या है,
ठीक है, इनका विजन है कि बाय 2030 ये बेसिकली लाए 6G टेक्नोलॉजी को। ठीक है, नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज साइन अ लॉन्च सर्विस अग्रीमेंट विद स्पेस मशीन कंपनी, जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, टू लॉन्च सेकेंड ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट। तो यहाँ पे स्पेस मशीन ने MOU साइन किया है इंडिया की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ, जो आपका कमर्शियल आर्म है इसरो का। ठीक है, नाउ इन जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, इन्होंने $18 मिलियन का MOU साइन किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो MOU है, इस MOU के तहत यहाँ पे जो NSIL है एंड जो स्पेस मशीन है, ये दोनों मिल के लॉन्च करेंगे सेकेंड ऑप्टिमस स्पेस क्राफ्ट, और जो आपका SSLV में लॉन्च किया जाएगा इन 2026। ठीक है, नाउ इस मिशन का नाम क्या रखा गया है, स्पेस मैत्री, विच इज मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन। इसका मेन एम है एड्रेस करना प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग अ लेवल ऑफ डेब्रिस इन अ स्पेस अराउंड द अर्थ। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए NSIL की, तो इसके CMD कौन है, राधा कृष्णन दुरईराज, हेडक्वार्टर है बैंगलुरु कर्नाटका में, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी टू डिजाइन एंड डेवलप अ मिनिएचराइज्ड सैटेलाइट कैपेबल ऑफ कैरिंग मल्टीपल एडवांस पेलोड अप टू 150 केजीज फॉर अ इंडियन एयरफोर्स। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो इट इज स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ इन्होंने 350th कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है IDX इनिशिएटिव का। क्लियर है, नाउ सिग्नेटरी यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके स्पेस पिक्सल के CEO यहाँ पे हैं आपके अवेस अहमद, नदीम अल्दुरी और अनुराग वाजपेयी, ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं आपके, एंड CEO हैं IDX डिफेंस के। ठीक है, नेक्स्ट इज इन मई 2024 द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर दैट मीन्स इन स्पेस साइन एन MOU विद विच कंपनी फॉर टेस्टिंग फैसिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैलेक्सी आई है इसके साथ MOU साइन किया है। ठीक है, ये MOU साइन हुआ था इन स्पेस की जो फैसिलिटी है अहमदाबाद में वहाँ पे। ठीक है, अब इस पार्टनरशिप के तहत जो गैलेक्सी आई है इसको एक्सेस मिल गया है कि जो इन स्पेस जो इन स्पेस है इन स्पेस की जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं उनको ही यूटिलाइज कर सकते हैं, साथ में ही इसरो के जो टॉप टॉप ऑफ द रेंज लेबोरेटरीज और टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं उनको भी ये यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ गैलेक्सी आई जो है, गैलेक्सी आई प्लान कर रही है फॉर बिल्डिंग अ मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड इट इज सेट टू लॉन्च देयर फर्स्ट सैटेलाइट द दृष्टि मिशन विद इन अ ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है द UAE इंडिया CEPA काउंसिल दैट इज UICC एंड इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैव साइन अ MOU टू एनहांस इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन UAE एंड इंडिया। व्हेन वाज इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्टैब्लिश, तो कौन से ईयर में इसे स्टैब्लिश किया गया था, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1925 में। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आपके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है डॉक्टर राजीव सिंह, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डिफेंस फोर्स हैज रिसेंटली मे साइन एन MOU विद अ बैंक ऑफ इंडिया टू ऑफर अ डिफेंस सर्विसेज सैलरी पैकेज थ्रू बैंक ऑफ इंडिया रक्षक सैलरी और पेंशन सेविंग स्कीम। तो इनमें से कौन सी आपकी डिफेंस फोर्स है जिन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ, तो आंसर हियर इज इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, कौन सी आपकी फोर्स है, इट इज इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, अब इस स्कीम के तहत यहाँ पे सारे रैंक्स के जो आपके रैंक होल्डर जो होंगे आपके इंडियन कोस्ट गार्ड में, या वेटरन्स जो होंगे, या रिक्रूटर्स, अग्निवीर्स, इन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, इवन दी एक्स सर्विसमैन। ठीक है, ये सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। साथ में ही यहाँ पे जो है बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे जो रिटेल लोन्स होंगे या प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे उनमें इनको कंसेशन मिलेगा। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं 1.5 करोड़ का। ठीक है, एयर एक्सीडेंटल कवर यहाँ पे दिया जा रहा है अप टू ₹1 करोड़। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर है आपका 50 लाख का, एंड पार्शल डिसेबिलिटी कवर प्रोवाइड किया जा रहा है 25 लाख का। ठीक है, नाउ बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो MD एंड CEO के हैं रजनीश कर्नाटक, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1906। नाउ नेक्स्ट है इसकी टैगलाइन विच इज रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज पार्टनर्ड विद अटल इनोवेशन मिशन टू एम्पावर सोशल सेक्टर स्टार्टअप विद अ ग्रांट वर्थ
19.6 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिन्होंने अटल इनोवेशन मिशन के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है, जो सोशल बेसिकली जो स्टार्टअप्स हैं आपके, ठीक है, उनको सोशल सेक्टर में जो स्टार्टअप हैं उनको ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए या फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज HDFC बैंक, ठीक है। अब HDFC बैंक ने जो इनका सेवेंथ HDFC बैंक परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट प्रोग्राम है, इसके तहत यहाँ पे 19.6 करोड़ की फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की है टू दी 170 सोशल स्टार्टअप्स, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे पूछा सकता है जो ये प्रोग्राम है आपका HDFC बैंक परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट प्रोग्राम, इसे कब लॉन्च किया गया था? इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम क्या था कि हमें ऐसे स्टार्टअप्स को फाइंड आउट करना है जो बेसिकली सोशल स्टार्टअप्स हैं या सोशल सेक्टर स्टार्टअप हैं, जो इम्पैक्ट प्रोवाइड, जो बेसिकली सोशल इम्पैक्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो उनको, ऐसे स्टार्टअप्स को ढूंढ के उनको फंडिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। नाउ HDFC बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1994 एंड इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है शशिधर जगदीशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैज रिसेंटली इन मे साइन एन MOU विद हिंडलको इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ इंडिजीनियस मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम टू इंडियन पब्लिक एंड प्राइवेट शिपयार्ड्स फॉर शिप कंस्ट्रक्शन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी डिफेंस फोर्स है जिसके साथ MOU यहाँ पे साइन किया है हिंडलको इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, ताकि ये एल्यूमिनियम प्रोवाइड कर सके शिप कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो आंसर है आपका यहाँ पे हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ ये MOU साइन किया गया है। अब इस MOU के तहत यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स इन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे कि क्वार्टरली प्राइसिंग, फिर प्रायोरिटी इन सप्लाई एंड टर्नओवर डिस्काउंट। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे जो है इंडियन कोस्ट गार्ड को एज अ बेनिफिट मिलेंगी, ठीक है, एज पर दिस MOU। नाउ हिंडलको की बात करें, हिंडलको इंडस्ट्रीज की, तो इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है सतीश पाई, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज साइन एन MOU विद महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड टू इनिशिएट टू पायलट प्रोजेक्ट्स अंडर द ड्रोन दीदी योजना। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने MOU साइन किया है महिंद्रा महिंद्रा लिमिटेड के साथ, ठीक है, दो पायलट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए अंडर द ड्रोन दीदी योजना, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ यहाँ पे दो आपके नेशनल सेंटर फॉर नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट जो है उन्हें सेलेक्ट किया गया है फॉर प्रोवाइडिंग दी ट्रेनिंग्स टू दीज रूरल वुमेन्स, ठीक है। कौन कौन से ये आपके सेंटर्स है, कहाँ कहाँ पे सेंटर्स हैं? हैदराबाद तेलंगाना में और दूसरा है नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ पे इस MOU के तहत जो है 500 वुमेन्स को यहाँ पे 20 बैचेस में, ठीक है, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ताकि 15 डेज की ये इनका करिकुलम होगा और जो भी इनका रहने सहने का होगा ये सारा यहाँ पे जो है ये मिनिस्ट्री और देखेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको नोट करनी है। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है ड्रोन दीदी योजना की, जिसे 2023 में लाया गया था, और इसका मेन एम क्या था, 1500 वेमेन्स को जो है ड्रोन ऑपरेशन सिखाया जाए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, ठीक है, ताकि ये एग्रीकल्चर पर्पस में उसको यूज कर सके, जैसे फर्टिलाइजिंग द क्रॉप फॉर मॉनिटरिंग द क्रॉप ग्रोथ एंड प्लांटिंग सीड्स एंड क्रिएटिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन अ न्यू टेक्नोलॉजीज एरिया। तो इस एम के साथ इसे लॉन्च किया गया था। अब इसके अलावा आपको नोट करना है, इन मंथ ऑफ मार्च PM मोदी जी ने जो है इस ट्रेनिंग्स के लिए, इन ट्रेनिंग्स के लिए 1000 ड्रोन्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करे थे, ठीक है, अक्रॉस द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइंड अ ग्रिड अग्रीमेंट विद अ नेशनल ग्रिड फ्लैग इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ऑपरेटर टू बिल्ड द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू स्विच इट्स पोर्ट टैलबॉट साइट इन अ वेल्स UK टू अ ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट। तो इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे ग्रिड अग्रीमेंट साइन किया है आपकी ब्रिटिश मल्टीनेशनल इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस यूटिलिटी कंपनी के साथ, जिसका नाम है नेशनल ग्रिड फ्लैग इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ऑपरेटर, दैट इज ESO, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका है, इट इज टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील लिमिटेड ने यहाँ पे इस अग्रीमेंट को साइन किया है, ठीक है। अब इस अग्रीमेंट के थ्रू यहाँ पे जो नेशनल ग्रिड प्लग ESO है, ये कंस्ट्रक्ट करेगी न्यू इलेक्ट्रिकल फ्रेमवर्क टू पावर टाटा स्टील्स 3.2 मिलियन टन्स इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस बाय द एंड ऑफ 2027, ठीक है। साथ में ही टाटा स्टील्स इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस
जो है इसका टारगेट क्या है, इसका एम है टू कट एमिशन बाय 30% बाय द ईयर 2030 एंड रीच नेट आउट नेट जीरो बाय 2045। तो ये टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद ईएक्स बैंक टू एम्पावर क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा इंडियन बैंक है जिन्होंने ई बैंक के साथ जो है पार्टनरशिप की है एम्पावर किस चीज के लिए, क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स के लिए विद इंडिया, इन इंडिया, ठीक है। तो ये बैंक आपका है येस बैंक। कौन सा बैंक है, इट इज अ येस बैंक। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, ई बैंक्स जो हम पढ़ रहे हैं ये एक ग्लोबल फिनटेक कंपनी है जो फोकस करती है क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स पेमेंट में, ठीक है। और इन्होंने पार्टनरशिप की है येस बैंक के साथ इंडिया में ई कॉमर्स के लिए, ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ येस बैंक की बात करें, जिसका फुल फॉर्म है यूथ एंटरप्राइज स्कीम बैंक, ठीक है। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 2004 में स्टैब्लिश किया गया था। वेरस इसके टैगलाइन क्या है, लाइफ को बनाओ रिच, ठीक है, लाइफ को बनाओ रिच। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइन अ मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट विद सिटी ग्रुप, जो अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, टू सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस एंड टू बूस्ट ट्रेड थ्रू सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट साइन किया गया है सिटी ग्रुप द्वारा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब जो अग्रीमेंट है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के ट्रेड एंड सप्लाई चेन फाइनेंस प्रोग्राम द्वारा साइन किया गया था विद दी सिटी बैंक नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, किस चीज के लिए, टू बूस्ट द ट्रेड थ्रू द सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, ठीक है। अब सिटी ग्रुप की बात करें तो इसके करंट सीईओ कौन है, इनका नाम है जेन फ्रासर। हेडक्वार्टर का लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली में इंडिया एंड घाना हैव अग्रीड टू ऑपरेशनलाइज द यूपीआई ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन घाना इंटरबैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम विद इन अ पीरियड ऑफ डैश मंथ, ठीक है। तो कितने मंथ के अंदर यहाँ पे जो है ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा यूपीआई ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये आपका ऑपरेशनल हो जाएगा विद इन 6 months, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब इस लिंकेज से क्या होगा, यहाँ पे इंस्टेंट और लो कॉस्ट फंड ट्रांसफर किया जा सकेगा बिटवीन यूजर्स ऑफ बोथ दी कंट्रीज, ठीक है, इंडिया एंड घाना। नाउ घाना के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है नाना ओकुफो ओडा, ठीक है। कैपिटल है इसकी एकारा, करेंसी है घानियन सीडी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइन एन एमओयू विद क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड टू इंप्लीमेंट कवच प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एमओयू साइन किया है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड के साथ, जो लोकेटेड है आपकी मोहाली पंजाब में, ठीक है, मोहाली पंजाब में जो लोकेटेड है। फाइन, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रेलटेल, ठीक है। अब जो क्वाड्रेंट है इन्हें फाइनल अप्रूवल दिया जाएगा रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एज एन OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर फॉर दी कवच प्रोजेक्ट। अब कवच प्रोजेक्ट क्या है, ये इंडिजिनसली डेवलप ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है इंडियन रेलवेज का, ठीक है, जिसे अडॉप्ट किया गया था नेशनल एटीपी एज अ नेशनल एटीपी सिस्टम इन द ईयर 2020, जुलाई 2020 में इसे अडॉप्ट किया गया था। फाइन, अब रेलटेल की बात करें तो इसके सीएमडी कौन है, संजय कुमार। इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था इन द ईयर 2000 एंड इट इज अ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड माइंस साइन एन एमओयू विद विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस फॉर शेयरिंग नॉलेज इन क्रिटिकल मिनरल। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ एमओयू ने साइन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एमओयू साइन किया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, इट इज शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। नेक्स्ट है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर एंड थर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट दैट इज तेरी, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, सारे ही ऑर्गेनाइजेशंस ने एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ और ये आपका एमओयू साइन किया गया था ओपनिंग सेरेमनी जो आपकी थी क्रिटिकल मिनरल समिट की, ठीक है, जो आपकी न्यू दिल्ली दिल्ली में हुई थी। फाइन, अब जो एमओयू साइन किया है इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम है टू फैसिलिटेट नॉलेज सपोर्ट इन द एरिया ऑफ अ क्रिटिकल मिनरल्स जो इम्पॉर्टेंट है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एंड लो कार्बन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे जो ये समिट हुई थी क्रिटिकल मिनरल समिट इसके बारे में, ठीक है। इस समिट को इनॉग्रेट किया था सेक्रेटरी ऑफ माइंस वी एल कांताराव ने, ठीक है। कहाँ पे ये हुई थी, ये आपकी हुई थी इंडिया हैबिटेट सेंटर इन लोधी ईस्ट न्यू दिल्ली। फाइन, जो समिट था इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इन पार्टनरशिप विद
शक्ति CEEW इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट इज IISD। की पॉइंट्स यहाँ पे आपको नोट करने हैं। इस समिट में 8 की मिनरल्स जो है इनको आइडेंटिफाई किया था। कौन कौन से ये थे? ग्लूकोनाइट, पोटैश, लिथियम रेयर अर्थ मिनरल्स, लेटराइट, क्रोमियम, प्लैटिनम ग्रुप, ग्रेफाइट, टंगस्टन विच इज एसोसिएटेड विद योर ग्रेफाइट, रेयर अर्थ्स एंड वेनेडियम। तो ये आपके की मिनरल्स यहाँ पे थे। ठीक है, जो समिट थी, इस समिट में एड्रेस किया गया था द अर्जेंट नीड फॉर सिक्योरिंग अ डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ अ क्रिटिकल रॉ मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसेंटली इन मे द टाटा स्टील स्पेशलाइज इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एंड HHP5 प्राइवेट लिमिटेड विच इज हैंगेन को साइन एन MOU टू स्टैब्लिश ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो कौन से स्टेट में ये बेसिकली स्टैब्लिश किए जाएंगे आपके ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट? ये स्टैब्लिश आपके किए जाएंगे उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा का जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये प्लांट आपका सेटअप किया जाएगा। ठीक है, फाइन। नाउ यहाँ पे एक और चीज जो आपको नोट करनी है, हैंगेनो कंपनी जो है इसका एम है ये प्रोड्यूस करेगी 1 मिलियन टन्स पर एनम ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन इन अ डिफरेंट फेजेस। जो यहाँ पे बेसिकली सेटअप किया जाएगा प्रोजेक्ट, उससे इनका एम है कि ये प्रोड्यूस करेंगे 1 मिलियन टन्स पर एनम का ग्रीन हाइड्रोजन डिफरेंट फेजेस से। और इनिशियल फेज में ये इन्होंने क्या बोला है, इनिशियल फेज स्केड्यूल फॉर कमिशनिंग बाय दिसंबर 2026। तो इनिशियल फेज इनका कब तक कमीशन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दिसंबर 2026 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे द FPSB इंडिया एंड IFSCA साइन अग्रीमेंट टू प्रमोट गिफ्ट GIFT IFSC एज अ ग्लोबल फाइनेंस हब। व्हाट डस पी स्टैंड्स फॉर इन FPSB? FPSB का मतलब आपका है फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, हेयर पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग। ठीक है, अब इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जो MOU साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है, इसका मेन एम क्या है? टू एनहांस द फाइनेंशियल मार्केट इकोसिस्टम एंड टू नर्चर स्किल्ड प्रोफेशनल्स फॉर GIFT सिटी दैट इज गिफ्ट सिटी एक्सपैंडिंग फाइनेंशियल वर्कफोर्स इन द कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये दोनों मिलके ऑर्गेनाइज करेंगे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इवेंट्स टू रेज अवेयरनेस एंड टू एस्टैब्लिश गिफ्ट IFSCA एज अ ग्लोबल फाइनेंस हब। नाउ FPSB इंडिया की बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज अ लीडिंग प्लानिंग बॉडी इन इंडिया जो स्टैब्लिश करती है, अपहोल्ड करती है एंड प्रमोट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग अक्रॉस इंडिया। फाइन, अब इसके CEO कौन है? इनका नाम है कृष्णन मिश्रा, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र। फाइन, नाउ नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज साइन अ पावर परचेज अग्रीमेंट फॉर 20 ईयर्स विद अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ विंड पावर स्टेशन? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिनके साथ 20 ईयर्स का अग्रीमेंट साइन किया है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड पावर स्टेशन? तो ये कंट्री आपकी है श्रीलंका। ठीक है, हमारी नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका जिसके साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया है, पावर परचेज अग्रीमेंट। फाइन, नाउ एज पर द अग्रीमेंट जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है दे विल पेड 8.26% पर किलोवाट आवर्स। ठीक है, एंड कंपनी विल एस्टैब्लिश विंड पावर स्टेशन इन मन्नार एंड पुनेरी इन श्रीलंका। तो ये दोनों जगहों पे जो है पावर स्टेशन यहाँ पे एस्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं, श्रीलंका की कैपिटल क्या है? इट इज श्री जय वर्धने पुरा कोटे जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, वेरस कोलंबो जो है ये जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव कैपिटल है श्रीलंका की। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है रनिल विक्रम सिंह। ठीक है, करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। फाइन, नाउ नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज साइन एन MOU विद द नॉर्थ आर्क कैपिटल लिमिटेड टू सेट न्यू बेंचमार्क विद इन अ फाइनेंशियल सेक्टर। तो यहाँ पे जो इंडिया का साउथ इंडियन बैंक है इस बैंक ने MOU साइन किया है नॉर्थ आर्क कैपिटल लिमिटेड NBFC के साथ। ठीक है, ताकि ये फोकस कर सके को लेंडिंग और जो आपकी लैंडिंग एक्टिविटीज होती हैं उस पे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज साउथ इंडियन बैंक। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO हैं PR शीशाधरी एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका थ्रिशूर केरला में। फाइन, नेक्स्ट इज इन मे 2024 इंडियन कोस्ट गार्ड हैज साइन एन MOU विद विच कंपनी टू एनहांस द इंडिजीनियस कंटेंट इन शिप बिल्डिंग? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने MOU साइन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ, ठीक है, ताकि यहाँ पे सप्लाई कर सके स्टील फॉर शिप बिल्डिंग? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, जिंदल स्टील एंड पावर। ठीक है, कौन सी कंपनी है? जिंदल स्टील एंड पावर।
सिग्नेटरीज की बात करें तो यहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल एच के शर्मा, जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है आपके आईसीजी के, एंड एस के प्रधान चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जेएसपीएल, इन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, अब इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल है राकेश पाल, हेडक्वार्टर्स का लोकेट है आपका न्यू दिल्ली डेली में। फाइन, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की बात करें तो इसके चेयरमैन है नवीन जिंदल, इस कंपनी के सीईओ हैं आरवी श्रीधर, एंड हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। फाइन, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज साइंड अ ट्रांसफॉर्मेटिव अग्रीमेंट विद स्प्रिंगर नेचर ग्रुप टू प्रमोट ओपन एक्सेस प्रिंसिपल इन अ स्कॉलरली रिसर्च। तो इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है इंडिया का जिसने साइन किया है ट्रांसफॉर्मेटिव अग्रीमेंट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? स्प्रिंगर नेचर ग्रुप के साथ। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। फाइन, अब यहाँ पे स्प्रिंगर नेचर जो है ये फर्स्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिसने ट्रांसफॉर्मेटिव अग्रीमेंट साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ। ठीक है, टू इनेबल एंड टू इम्प्रूव इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। क्लियर है। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया था, दिस विल अलाउ मोर देन 50 सेंटर्स एफिलेटेड टू DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू रीड एंड पब्लिश द गोल्ड ओपन एक्सेस। फाइन, नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज साइन अ ग्रीन अमोनिया सप्लाई पैक्ट विद अ नॉर्वेज यारा क्लीन अमोनिया। तो नॉर्वे की जो कंपनी है यारा, इसके साथ इंडिया की कौन सी कंपनी है जिसने ग्रीन अमोनिया के लिए सप्लाई के लिए पैक्ट साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है? ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस कंपनी का नाम है ग्रीनको ज़ेरॉक। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रीनको ज़ेरॉक जो है इनका जो आपका प्रोडक्शन फैसिलिटी है इन दी आंध्र प्रदेश विच इज काकीनाडा, इसमें यहाँ पे जो इनकी फैसिलिटी है उसका 50% जो प्रोडक्शन होगा ग्रीन अमोनिया का वो इस नॉर्वे की कंपनी को यहाँ पे सप्लाई करेगी इन अ फेज वन। ठीक है, इसके अलावा यारा कंपनी जो है ये इस अमोनिया को, ग्रीन अमोनिया को यूज करेगी प्रोड्यूस करने के लिए लो एमिशन फर्टिलाइजर एज वेल एज टुवर्ड्स द लो कार्बन एमिशन इन द इंडस्ट्री, जैसे शिपिंग हो गया या पावर हो गया। ठीक है, शिपिंग एंड पावर। फाइन, नाउ दिस अमोनिया फैसिलिटी इन काकीनाडा विल स्टार्ट विद इनिशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ 1 मिलियन टन्स पर एनम, और बाय 2030 ये इसे जो है 5 गुना कर देंगे, बाय 5 मिलियन टन्स पर एनम ये कर देंगे। ठीक है, इसकी कैपेसिटी ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला था, जो ये प्रोडक्शन फैसिलिटी है इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट रिन्यूएबल अमोनिया बाय 2027। क्लियर है। नेक्स्ट है, नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली इन मे साइन अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया फॉर ऑपरेशन ऑफ अ शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल एट छाबर पोर्ट। ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए छाबर पोर्ट में? तो आंसर हो जाएगा इट इज ईरान। छाबर पोर्ट आपका कहाँ है? ये लोगों ने आपका ईरान में। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, जो होली ओन सब्सिडी है इंडिया पोर्ट ग्लोबल छाबर फ्री जोन की। ठीक है, एंड बाय द ईरान पोर्ट एंड मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत IPGL जो है ये यहाँ पे 120 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं इन इक्विपिंग दी पोर्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हो ये ईरान है, ईरान के यहाँ पे आपका छाबर पोर्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइन एन MOU विद अ यूरोपियन बैंक जिसका नाम है सोसाइटी जर्नल टू सपोर्ट द एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड ग्लोबली। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने MOU साइन किया है यूरोपियन बैंक के साथ? ठीक है, ताकि यूरोपियन बैंक इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट कर सके इंडिया में और वर्ल्ड में। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ये कंपनी है रिन्यू। ठीक है, रिन्यू इज द राइट आंसर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ जो ये यूरोपियन बैंक है सोसाइटी जर्नल, ये यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा 1 बिलियन US डॉलर का नेक्स्ट 3 ईयर्स में। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स ये यहाँ पे 1 बिलियन US डॉलर का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं रेन्यू कंपनी को। ठीक है, अब जो ये दोनों कंपनीज हैं आपकी, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बेसिकली फोकस करेंगे आपके प्रोजेक्ट्स में, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जैसे आपका सोलर हो गया, विंड कॉम्प्लेक्स, रिन्यूएबल, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में इनका मेन फोकस रहेगा। ठीक है, अब दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो सोसाइटी जर्नल जो आपका बैंक है, ठीक है, इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है सोलोमीर क्रप। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1864 और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है पेरिस फ्रांस में। ठीक है, रिन्यू एनर्जी की बात करें तो इसके आपके फाउंडर एंड चेयरमैन
सीईओ हैं सुमंत सिन्हा, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में एंड इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2011। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि रेन्यू ने साइन किया है 2.2 गीगावाट ऑफ पीपीए, ठीक है, पावर परचेज अग्रीमेंट इन्होंने यहाँ पे साइन किया है। ठीक है, पांच पावर परचेज अग्रीमेंट साइन किए हैं, किस चीज के लिए, बूस्ट करने के लिए क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो को टू दी 15.6 गीगावाट। अब इसके बारे में डिटेल में देखेंगे तो पांच इन्होंने पावर परचेज अग्रीमेंट साइन किए हैं विद अ कंबाइंड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ अ 2.2 गीगावाट। ठीक है, दीज पीपीएस विल इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ अ 15,000 मेगावाट ऑफ अ सोलर एंड 688 मेगावाट ऑफ अ विंड प्रोजेक्ट। तो इनमें से आपके 1500 मेगावाट का क्या है, सोलर, ठीक है, वेयर इज 688 मेगावाट के यहाँ पे विंड प्रोजेक्ट्स हैं आपके, क्लियर है। नाउ दीज प्रोजेक्ट्स विल कमेंस इट्स ऑपरेशन ओवर द नेक्स्ट 24 मंथ्स में इसके ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ अब बात करेंगे जो पांच पावर परचेज अग्रीमेंट साइन किए हैं, रेन्यू ने तीन सोलर पीपीएस जो हैं जिसकी आपकी कैपेसिटी कितनी है 800 मेगावाट की, ये इन्होंने साइन किया है एनटीपीसी लिमिटेड के साथ, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ एंड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। वेयर इज इट हैज ऑल्सो साइन इन 1 गीगावाट फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी पीपीए विद एस जे वी एन लिमिटेड। ठीक है, एक इन्होंने साइन किया है एस जे वी एन लिमिटेड के साथ, तीन, ये हो गया चार आपका। ठीक है, देन लास्ट है इट हैज साइन इन 438 मेगावाट ऑफ पीपीए विद अ लार्ज मल्टीनेशनल कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर। तो ये पांच पीपीएस इन्होंने साइन किए थे जिसमें से कुछ सोलर हैं और कुछ आपके विंड प्रोजेक्ट्स के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन मे कोलैबोरेटेड विद द लंका पे टू प्रमोट यूपीआई पेमेंट इन श्रीलंका। ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने कोलैबोरेशन किया है लंका पे के साथ यूपीआई को प्रमोट करने के लिए इन श्रीलंका। तो आंसर आपका है फोन पे। ठीक है, फोन पे ने कोलैबोरेशन किया है। अब फोन पे के जो यूजर हैं दे आर अलाउड टू मेक पेमेंट्स इन इंडियन रुपीज अक्रॉस लंका पे मर्चेंट नेटवर्क और यहाँ पे जो करेंसी एक्सचेंज रेट होंगे वो भी अप्लाइड होंगे ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, नाउ फोन पे की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके सीईओ कौन है, समीर निगम है, हेडक्वार्टर है आपका बैंगलुरु कर्नाटका में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2015। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइन एन एमओयू विद द इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एमओयू साइन किया है आईईएसए के साथ, ठीक है, प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इंडिया में। तो आंसर आपका यहाँ पे है FICCI विच इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब इसके प्रेसिडेंट कौन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के आपके प्रेसिडेंट है अनीश शाह, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूमा इंडिया साइन मल्टी ईयर डील विद डैश टू बिकेम द ऑफिशियल किट पार्टनर ऑफ इंडियन एथलीट। तो पूमा इंडिया ने जो है यहाँ पे डील साइन की है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए, ऑफिशियल किट्स जो होंगी आपकी इंडियन एथलीट्स की उनके लिए। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ दिस पार्टनरशिप डज नॉट इंक्लूड ओलंपिक्स एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, नाउ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 1946 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, इसके करंट प्रेसिडेंट है अदिल सुमारी वाला, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज साइन एन एमओयू विद सीएससीई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड टू वाइडन संपूर्ण पशुधन कवच अक्रॉस रूरल इंडिया। तो इनमें से कौन सा आपका इंश्योरेंस कंपनी है जिसने एमओयू साइन किया है सीएससीई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ, इनके जो कैटल इंश्योरेंस, जो आपका कैटल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसको वाइडन करने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट है, इन मई 2024 द बीईएमएल लिमिटेड हैज सिक्योर्ड एन ऑर्डर वर्थ रुपीज 250 करोड़ फ्रॉम डैश फॉर सप्लाइंग 28 यूनिट्स ऑफ BH100 रेयर डंप ट्रक्स। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा BEML को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपका नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने। ठीक है, कौन सी कंपनी है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, अब इस ऑर्डर के तहत जो डंपर्स हैं इनको 5 साल की बेसिकली यहाँ पे जो मेंटेनेंस है ये कौन करेगा, BEML करेगा। ठीक है, थ्रू द 5-year गारंटी स्पेयर पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट एंश्योरिंग ऑपरेशनल एफिशियंसीज। ठीक है, नेक्स्ट है,
नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइन एन एमओयू विद द एयरबस हेलीकॉप्टर्स फॉर फाइनेंसिंग द परचेज ऑफ एयरबस हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एमओयू साइन किया है एयरबस हेलीकॉप्टर के साथ परचेज करने के लिए एयरबस हेलीकॉप्टर्स को इंडिया में? ठीक है, इन इंडिया। तो आंसर आपका हो जाएगा, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिडबी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन कौन थे? जो ये एमओयू है ये साइन किया गया था बिटवीन द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ सिडबी, जिनका नाम है राहुल प्रियदर्शी, एंड सनी गुलानी जो हेड ऑफ एयरबस हेलीकॉप्टर हैं इंडिया एंड साउथ एशिया के। ठीक है, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और इसे अप्रैल 1990 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नाउ नेक्स्ट है, इन मई 2024 द RITES लिमिटेड हैज साइन अ पैक्ट वर्थ 111.26 मिलियन यूएस डॉलर विद विच कंट्रीज रेलवे टू सप्लाई 200 BG पैसेंजर कोचेस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपके कंट्री है जिनके साथ एमओयू साइन हुआ है RITES का सप्लाई करने के लिए 200 BG पैसेंजर कोचेस को? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज बांग्लादेश। ठीक है, कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश की रेलवेज के साथ ये एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज फंडेड बाय द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये याद रखना है, इन्वेस्टमेंट कौन यहाँ पे फंडिंग कौन कर रहा है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो सप्लाई है, अ सप्लाई विद 36 मंथ कमिशनिंग पीरियड फॉलोड बाय द 24 मंथ्स वारंटी पीरियड। ठीक है, तो 36 मंथ का कमिशनिंग पीरियड हो जाएगा और 24 मंथ का आपका वारंटी पीरियड हो जाएगा। ठीक है, नाउ RITES की बात करें तो इसके करंट CMD कौन है? इनका नाम है राहुल मित्तल। इसकी शुरुआत की गई थी 1974 में एंड इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन मई 2024 द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग साइन अ एमओयू टू एनहांस एमओयू विद डैश टू एनहांस द डिजिटाइजेशन ऑफ अ वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन प्लानिंग। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ यहाँ पे एमओयू साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने? ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है UNDP इंडिया। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली दिल्ली में लोकेटेड है। फाइन, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे सिग्नेटरी कौन कौन थे? यहाँ पे एमओयू साइन किया है अलका उपाध्याय जो सेक्रेटरी है आपके DAHD की, एंड जो नेक्स्ट आपके हैं कैथलिन वेसन जो आपके UNDP के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इस MOU के तहत न्यू टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एनिमल वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, विच विल इनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ अ वास्ट कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंश्योर वैक्सीन आर मैनेज एंड डिलीवर्ड नेशन वाइड एट अ राइट क्वान्टिटी राइट क्वालिटी टाइम टेम्परेचर। तो ये चारों चीज जो है ये राइट टाइम पे होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए, टाइम ठीक होना चाहिए और टेम्परेचर ठीक होना चाहिए। तो इन सब चीज को मॉनिटर करने के लिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पे ये डेवलप करेंगे एनिमल वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को। ठीक है, नेक्स्ट है, SBI जनरल इंश्योरेंस रिसेंटली इन मे साइन अ स्ट्रेटेजिक बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद विच स्मॉल फाइनेंस बैंक टू इंक्रीज इट्स इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने यहाँ पे बैंक अश्योरेंस टाई अप किया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो MD एंड CEO इसके हैं अजय कनवाल, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बैंगलुरु कर्नाटका में और टैगलाइन है लिखो अपनी कहानी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द VST टिलर ट्रैक्टर लिमिटेड जो आपका एक फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, हैज साइन अ MOU विद विच अमंग द फॉलोइंग बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस फॉर फार्मर्स परचेसिंग ट्रैक्टर एंड फार्म मैकेनिज्म प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे VST टिलर्स ने कौन से बैंक के साथ अग्रीमेंट साइन किया है? आंसर आपका हो जाएगा एक्सिस बैंक के साथ। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें तो एंटोनी चेरुकारा जो CEO है आपके VST टिलर ट्रैक्टर लिमिटेड के एंड राजेश धागे जो बिजनेस हेड ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन है एक्सिस बैंक के, इनके बीच में MOU साइन हुआ है। ठीक है, अब इस MOU के तहत यहाँ पे जो MOU है ये बेसिकली यहाँ पे फार्मर्स को मतलब फार्मर्स जो है वो अवेल कर सकते हैं यहाँ पे हैसल फ्री अफोर्डेबल फ्लेक्सीबल क्रेडिट फैसिलिटीज टू ट्रांसफॉर्म देयर एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, वेरियस यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्सिस बैंक ने यहाँ पे बोला है दे विल ऑफर अ फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन स्विफ्ट सैंक्शंस और स्पेशल EMIs। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं VST टिलर ट्रांजेक्शन लिमिटेड की। ठीक है, टिलर्स ट्रैक्टर लिमिटेड की, इसके CEO है एंटनी चेरुकारा
एस्टैब्लिशमेंट ईयर इसका है 1967 एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है बैंगलोर कर्नाटक में, ठीक है। एक्सिस बैंक की बात करें, एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में एंड टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली साइन अ डील टू मॉडर्नाइज द कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी ऑफ अ क्वेट्स बर्गन बैंक। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे डील साइन किए हैं, बुर्गन, जो आपका बुर्गन बैंक है, कुवैत का बैंक है। तो आंसर इज इट इज टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। अब टीसीएस यहाँ पे डिप्लॉय करेगी टीसीएस बीएएनसीएस, जो आपका कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर सूट है जो टीसीएस ने डेवलप किया है फॉर यूज बाय रिटेल बैंक्स, ठीक है। इसके अलावा जो बुर्गन बैंक है, इट विल ऑल्सो यूज अ टीसीएस सॉल्यूशन टू मैनेज देयर हायर ट्रांजेक्शन वॉल्यूम्स, एनहांस करेगा ये ऑटोमेशन एंड इम्प्रूव करेगा स्टाफ प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। नेक्स्ट है, द टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च वेबएक्स कॉलिंग विद क्लाउड पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क फॉर एंटरप्राइजेस डूइंग बिजनेस इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी आपके कंपनी है जिसके साथ पार्टनरशिप की गई है, तो आंसर इज सिस्को, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ वेबएक्स कॉलिंग जो है ये एक मॉडर्न कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस फोन सिस्टम है जो प्रोवाइड करेगा एंटरप्राइजेस ग्रेडिंग कॉलिंग वाया क्लाउड प्लेटफॉर्म विद ओवर 14 मिलियन यूजर अराउंड द वर्ल्ड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ये प्रोवाइड करेगा बिजनेस को विद अ फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट ऑप्शन एंड सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन कोलैबोरेशन टूल्स एंड डिवाइसेस। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इन मे अप्रूव द न्यू ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, दैट इज ATK। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने न्यू ट्रीटी यहाँ पे अप्रूव की है, ठीक है, IP के लिए, GR के लिए और ATK के लिए। तो आंसर इज इट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, ठीक है। अब WIPO के डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है डेरिन डैंग, मेंबर स्टेट्स हैं 193 एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट पार्टनर्ड विद अ नॉर्वे बेस्ड NEL हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर AS टू मेक इलेक्ट्रोलाइजर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिन्होंने नॉर्वे बेस्ड NEL हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर के साथ जो है पार्टनरशिप की है, किस चीज के लिए, टू मेक इलेक्ट्रोलाइजर फॉर अ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो आंसर आपका हो जाएगा, ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ यहाँ पे जो अग्रीमेंट बेसिकली साइन हुआ है इनके बीच में, ये प्रोवाइड करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एन एक्सक्लूसिव लाइसेंस, ठीक है, फॉर NEL's अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर इन इंडिया एंड ऑल्सो अलाउज इट टू मैन्युफैक्चर द अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर फॉर अ इंटरनल यूज ग्लोबली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्ट डिज्नी कंपनी हैज एंटर्ड एन अग्रीमेंट टू सेल इट्स 10% माइनॉरिटी स्टेक्स इन टाटा प्ले लिमिटेड टू टाटा ग्रुप फॉर अप्रोक्सीमेटली $1 billion। तो इन्होंने यहाँ पे इनके 30% जो शेयर हैं वो इन्होंने सेल किए हैं, जिसका अमाउंट आपका है $1 billion, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, 30% स्टेक्स सेल किए हैं इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली इन मे पार्टनर्ड विद IIT बॉम्बे टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, ठीक है। तो इनमें से कौन सी कंपनी है, टेक कंपनी आपकी, जिसने IIT बॉम्बे के साथ कोलैबोरेशन किया है या पार्टनरशिप किया है डेवलप करने के लिए इंडिया की पहली क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर को। तो आंसर आपका है TCS, ठीक है, आंसर इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, फाइन, क्लियर है। नाउ जो ये नाउ अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इस MOU से या इस पार्टनरशिप से यहाँ पे जो है ये एनहांस करेंगे प्रिसीजन इन अ सेमीकंडक्टर चिप एग्जामिनेशन, रिड्यूस करेंगे चिप फेलियर्स एंड इम्प्रूव करेंगे एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। साथ में ही नेक्स्ट टू ईयर्स में, ओवर द नेक्स्ट टू ईयर्स, जो आपके TCS के एक्सपर्ट हैं ये वर्क करेंगे कस्तूरी शाह के साथ, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की इन IIT बॉम्बे, डेवलप करने के लिए क्वांटम इमेजिंग प्लेटफॉर्म इन अ पीक वेस्ट लैब, क्लियर है। नेक्स्ट है, इन मई 2024 नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज साइन एन MOU विद डैश टू एनहांस स्किल डेवलपमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन इंडिया एंड ग्लोबली। तो यहाँ पे जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है NSDC है, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है या MOU साइन किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, ताकि एडवांस कर सकें स्किल डेवलपमेंट को और लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंडिया और ग्लोबली, ठीक है, इंडिया और इन दी वर्ल्ड,
ठीक है। अब यहाँ पे जो एमओयू है ये साइन किया था वेद मानी तिवारी, जो सीईओ है एनएसटीसी की और मैनेजिंग डायरेक्टर है एनएसटीसी इंटरनेशनल की, ठीक है, अलॉन्ग विद शांगहो ली जो डायरेक्टर है आपके एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जॉब क्रिएशन एंड लाइवलीहुड्स डिपार्टमेंट एट ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एनएसटीसी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 2008 में, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट एफ होंगबो, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 1919 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था और करंट मेंबर नेशन इसके हैं 187, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट पार्टनर्ड विद डीआरडीओ टू इनॉग्रेट द डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इट्स कैंपस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है, कौन सा आपका इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ पार्टनरशिप किया है डीआरडीओ ने इनॉग्रेट, इसके साथ मिलके बेसिकली इन्होंने डीआरडीओ ने जो है इनॉग्रेट किया है डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनके कैंपस में। तो ये आपका जो जो आपकी यूनिवर्सिटी है, इसकी यूनिवर्सिटी का नाम है IIT कानपुर, ठीक है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है IIT कानपुर, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो ये आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है इसके आपके डायरेक्टर बनाए गए हैं संजय टंडन, ठीक है, जो आपके फॉर्मर डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के, जो लोकेटेड है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। नाउ अब ये जो सेंटर है इसका मेन फोकस जो है वो कौन से एरियाज में रहेगा, इन एडवांस नैनो मटेरियल, एक्सेलरेटेड मटेरियल डिजाइन, हाई एनर्जी मटेरियल्स और बायो इंजीनियरिंग में इसका फोकस रहेगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे जो फंडिंग है वो डीआरडीओ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। डीआरडीओ विल फंड द प्रोजेक्ट्स एंड एस्टैब्लिश द की टेक्नोलॉजी की टेक्निकल फैसिलिटीज मॉडर्न एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू इनेबल एंड बूस्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। तो पूरी फंडिंग यहाँ पे डीआरडीओ की तरफ से आएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे द सी एस सी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड साइन एम ओ यू विद विच मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड अ ई माइग्रेट सर्विसेज थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने एम ओ यू साइन किया है आपका सी एस सी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। अब जो एमओयू है ये साइन किया गया था ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल वर्कशॉप ऑन पावरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपका न्यू दिल्ली दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अब जो ये एमओयू है इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम रहेगा एट असिस्टिंग द ब्लू कॉलर वर्कर्स हेडिंग इन द इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कंट्रीज एंड द प्रोजेक्ट स्ट्रीमलाइन द इमिग्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन, ठीक है। ये स्ट्रीमलाइन करेगा आपका इमिग्रेशन प्रोसेस को, ठीक है, ऑनलाइन, एंड कनेक्ट करेगा फॉरन एम्प्लॉयज, रिक्रूटमेंट एजेंट्स और इंश्योरेंस कंपनीज को, ठीक है। नाउ दिस कोलेबरेशन इन्हांसेस द एक्सेसिबिलिटी एंड प्रमोट्स द लीगल माइग्रेशन, आई होप ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट है, रिसेंटली मे द ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस हैज अनाउंस द बैंक अश्योरेंस कॉर्पोरेट एजेंसी पार्टनरशिप विद विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके साथ बैंक अश्योरेंस टाइप किया है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने, तो ये आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है सर्वजीत सिंह शर्मा, ठीक है। हेडक्वार्टर लोकेटेड है जालंधर पंजाब में एंड इसे एस्टैब्लिश किया गया था 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द प्राइवेट बैंक दैट हैज अनाउंस अ बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप विद टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसके साथ यहाँ पे बैंक अश्योरेंस टाइप हुआ है, तो आंसर इज इट इज फेडरल बैंक, ठीक है। कौन सा प्राइवेट बैंक है, इट इज अ फेडरल बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है, Which among the following organizations signed an MOU with a World Meteorological Organization to strengthen their collaboration and improve climate services in agriculture? ठीक है, तो इनमें से कौन सी organization है जिन्होंने MOU sign किया है World Meteorological Organization के साथ, ठीक है, improve करने के लिए climate services को in agriculture, ठीक है। तो ये organization आपकी है, it is Food and Agriculture Organization, that is FAO, ठीक है। Answer यहाँ पे क्या हो जाएगा, it is option number C। Now यहाँ पे जो है जो ये एमओयू था इसमें पांच की एरिया से जिस पे फोकस किया जाएगा, ठीक है, एग्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, पॉलिसी डायलॉग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डेटा एंड मेथोडोलॉजीज
रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड नॉलेज ट्रांसफर, ठीक है। तो ये पांच की एरियाज आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी जनरल इसके हैं सेलेस्टे सोल, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसे 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था एंड इट बिकम द स्पेशलाइज एजेंसी इन द 1951, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।